अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका अपना आरजी बनिहाल। तो सीन कुछ ऐसा है कि बज रहा है 4:30 और मैंने सहरी कर लिया है। अब कुछ ही देर में मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा वहीं के लिए, और अभी लगभग लगभग 4:30 बज रहा है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अजान का। अजान हो उसके बाद नमाज पढ़ूँ, उसके बाद निकलूँ यहाँ से। मैंने सोचा था कि ब्लॉग आज नहीं बनाऊँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना बना के ही जाऊँ, कुछ लोगों को बताना तो पड़ेगा कि मैं वापस जा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अब निकलने वाला हूँ कुछ देर में। और अभी तो मैंने मोटो ब्लॉग का सेटअप किया है, तो देखते मोटो ब्लॉग का सेटअप कितना काम करता है। अभी नमाज पढ़ने जाना है, इससे पहले अजान है, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, पैर बहुत दर्द हो रहा है, रेस्ट कर लें उसके बाद निकल रहे हैं। तो सीन ये है कि अभी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, आँख खुल नहीं रही, मैं सोच रहा हूँ निकलूँगा कैसे, झप झप आँख ऐसे बंद हो रहा है, और फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। मैं जल्दी जाऊँगा नमाज पढ़ के, उसके बाद वहाँ पे जाके सो लूँगा 1 से 1.5 घंटा। जब सो लूँगा ना तो मेरे जो थरथराहट है पैर में, कपकपाहट जो है पैर में, वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, और पैर में ऑफिस में भी थोड़ा टेंशन कम रहेगा, नींद कम लगेगी। और तो भैया जी भाग जाए नान काल। अस्सलामुअलैकुम भैया। वालेकुम सलाम बाबू, ब्लॉग में आई गए हो, सबको चैनल करे सब्सक्राइब कर ले। हम जाए थे दाग अभी तुरंत से, मेराज गोलू भाई मोहल्ले के लोग माइला का कहा थे, टीका का कहा था, गोलू 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 तुम ब्लॉग में आई हो, बात गलत है। अब तुम अच्छा बात कहो या गलत बात, हम जाए थे। तो अभी हो गया 5:30 और निकलने जा रहा हूँ। अब बाइक में सेटअप करूँगा इसको ताकि राइड करते वक्त ये दिखाई दे, ठीक है। नहीं अभी thank you.
यह है बीच में ब्यूटीफुल सनराइज जो बहुत ही खूबसूरत है। ये भी जस्ट ना हुआ हैपन सामने मैं 5:45 पर निकला था और अभी 7:45 हो रहा है, 2 घंटा ही हुआ है और अभी कुछ देर लगभग मेरे पास 1 घंटा 15 मिनट बाकी है ऑफिस जाने के लिए। तो अभी रेस्ट कर लूँगा, थकान बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए रेस्ट करना पड़ेगा। सो अब जा रहे हैं रूम के अंदर। तो अब हो गया ऑफिस जाने का टाइम, जल्दी से बाइक स्टार्ट कर दूँ। ओह गेट बंद करना भूल जाता हूँ, टेंशन हो जाता है। 9:30 से 9:25 होने वाला है, अब बहुत जल्दी भागना पड़ेगा ऑफिस के लिए, बहुत जल्दी। सीन ये है कि अभी ऑफिस से रूम जा रहा हूँ, सामान ढेर सारा लेकर आया हूँ। आज मैं पैदल चल रहा हूँ, क्या रीजन है, मेरा दोस्त मोबाइल बाइक ले गया है तो पैदल चल रहा हूँ। इसी बहाने मैंने सुबह मोटो ब्लॉग का जुगाड़ बनाया था, इस टाइम पे वॉक ब्लॉग पैदल ब्लॉग बना रहा हूँ और अभी रूम जा रहा हूँ, उसके बाद तैयारी करनी इफ्तार की। देखते हैं, पैदल चलते चलते लगभग 1.5 किलोमीटर तो है, तो नेपाल से नम्बोजी से ऊपर है तो इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा है और ये दूसरी बार मैं चलना हो पाया इतनी दूर। सांस फूल गया, ऐसा लग रहा है मैं एबीसी ट्रैक में जा रहा हूँ। रोजा रखे चलने में दिक्कत हो जाती है, ये फर्स्ट टाइम चल रहा हूँ रोजे के बाद तो और दिक्कत हो रही है। मैं ऐसे व्यू अच्छा आ रहा है। व्यू बहुत ही औसम है। ये है बैडमिंटन कोर्ट, ये सिद्धार्थ होटल और यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं फोटोज खिंचाने, गप बातचीत करने और यहाँ पे आते हैं लोग बातचीत करने के लिए। व्यू पॉइंट है ये, छोटा सा व्यू पॉइंट, एक और उधर व्यू पॉइंट है, यहाँ व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और पैदल चल के व्लॉगिंग करने में इजी हो गया मुझे, सुबह आज 2.25 घंटे में आया हूँ। बीच बीच में व्लॉग का जो मोटो व्लॉग के लिए मैंने लगाया था उसको सेटअप करने में बहुत टाइम लग रहा था इसलिए बीच में रुक रुक के आया था और आते ही तुरंत सो गया, तरिश करा था, फिर उसके बाद नहाया गया, ऑफिस आ गया और ऑफिस से रिटर्न आया हूँ। तो बस पैदल चल रहा हूँ, तो पैदल चलने के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, पर चलते चलते बोलना मतलब सांस से झगड़ा करना, वो वाली सांस नहीं सांस। अभी 23 से 24 मिनट बाकी है इफ्तार का। मैंने ऐसे की नमाज़ पढ़ा, उसके नमाज़ पढ़ते वक्त मुझे जो व्यू दिख रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार छत पे आके व्यू को देखा जाए। तो आप देख सकते हैं व्यू, सामने का व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था तो मुझसे कंट्रोल नहीं रहा है। ये है व्यू, सो मैंने सोचा कुछ थोड़ा देर व्यू ले लिया जाए उसके बाद अपना तैयारी किया जाए इफ्तार का, क्योंकि व्यू के चक्कर में इफ्तार में टाइम नहीं बर्बाद कर सकते हैं। सो अब जा रहे हैं इफ्तार कर लें, उसके बाद फिर अपना वॉकिंग है, अपना जिम है, सो अभी जाते हैं फिर वही काम करते हैं। सो अब फोटोग्राफर RGB बनने जा रहा है, सिर्फ RGB, और सिर्फ RGB को सिर्फ दूध उबालना और सेवई बनाना आता है, बहुत कुछ नहीं आता। और आज खुश हूँ क्योंकि मेरे पास टिफिन जो ऑफिस में मिलता था वो आज आ गया है। हमारी जो कुक थी वो वापस आ गए, कुछ दिन छुट्टी में थे, सो भूख लगने का पूरी टेंशन है नहीं और ज़्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सो अभी पहले दूध को उबाल लें और थोड़ा सा सेवई बना लें क्योंकि सेवई खाना जरूरी है। सो सेफ RGB का सब कुछ रेडी है, कुछ रेडीमेड है तो कुछ हैंडीमेड है, ऐसे तो कुछ बनाना नहीं आता है, बस मांग के काम जुगाड़ चला रहा हूँ। और अभी 8 मिनट बाकी है आजान होने में, सो अभी थोड़ा दुआ भी मांगना पड़ेगा।
सो इट्स टाइम फॉर इवनिंग वॉक। इफ्तार कर चुका हूँ, नमाज पढ़ चुका हूँ और अब थोड़ा सा वॉक करना ही पड़ेगा, जरूरी है। तो सीन ये है, अभी आप हमको देख रहे हैं बिना फ्लैश लाइट के और अभी लगभग 7 बजा है, दिन बड़ा होने लगा है, अभी तक उजेला है, उजेला ही कहते ना, अभी लाइट है इतना कि फ्लैश की लाइट की जरूरत न पड़ेगी, इतना लाइट है कि फ्लैश लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं आराम वॉक में निकला हूँ तो काफ़ी लाइट है, इस बात से खुश हूँ। आज मेरा हालत बहुत ज़्यादा ही डाउन है, अभी मैं इफ्तार करके वॉक करके आया, उसके बाद लेट गया, लेटते लेटते मेरा सुबह जो 4 बजे मैं उठा था उसके बाद सोया भी नहीं था, रात को 1 बजे ब्लॉग एडिट करके डाला था तो मैं ऑलमोस्ट 3 घंटा ही सोया था और फिर बाइक राइड करके यहाँ तक आया, उसके बाद ऑफिस गया, सो इतना ज़्यादा थकान लग गया था तो मैं ईशा का नमाज भी पढ़ने मस्जिद नहीं गया, रूम में ही पढ़ा और जिम भी नहीं गया और इतना ज़्यादा थकाई लगा था कि अभी जस्ट उठाऊँ, मैंने सोचा कि ब्लॉग तो एंड ही नहीं किया तो ब्लॉग एंड करना तो जरूरी है। और हाँ, आज ब्लॉग इन करने के साथ साथ मैं अब 3 दिन लगातार ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, अब चांद रात वाले दिन ही जब मैं घर वापस जाऊंगा तब ब्लॉग बनाऊंगा, सो तब तक के लिए जो पुराने वीडियोज है उसको देखते रहिएगा और रील्स में डालूंगा, शॉर्ट्स डालता रहूँगा वो देखते रहिएगा और एडवांस में आप सभी को ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, चांद रात को ही मिलेंगे और तब तक के लिए डेली ब्लॉग्स को एंड करता हूँ और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्यार करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए, शेयर करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।